संकल्प हो तो लगभग नामुमकिन है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति साइबर स्पेस में बिना किसी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर से सर्विसेज लिए नहीं घुस सकता है। तो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर के पास उसका स्टैटिक डाटा होता है, और जब वो बात करता है तो आईपी एड्रेस से लेके लोकेशनल डिटेल से लेके हर चीज जो है वो वर्चुअल डाटा के फॉर्मेट में अवेलेबल होता है, जिसे रियल टाइम में कैप्चर करना होगा। तो एक छोटा सा मॉडिफिकेशन करके, जैसे हमारा कॉल डिटेल होता है, सीडीआर होती है, ऐसे ही वोलेटाइल डिटेल विल आल्सो बी लिंक्ड। तो आपका जो है जो वोलेटाइल आइडेंटिटी है दैट विल आल्सो बी कैप्चर। अब आपके मोबाइल में जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ऐसे ही एक ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ एक एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर होगा जो क्राइम फ्री भारत का सॉफ्टवेयर होगा। जैसे ही आपको कोई सस्पिशन होता है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो उसको रिकॉर्डिंग चालू कर देगा, उसकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, डेट टाइम लोकेशन से स्टैंप होगा, और वो जो है अपराधी के सभी साक्ष्य इकट्ठा कर पाएगी। और फिर जो है क्राइम फ्री भारत के वॉलंटियर्स कई बार तो बिना पुलिस के उसको गिरफ्तार भी कर पाएंगे, और फिर जो क्राइम फ्री भारत का सर्टेनिटी मॉडल है उसके तहत 45 डेज में वो है जेल में सड़ने के लिए बेवस हो जाएगा। स्पेशली साइबर क्राइम करने वाले होशियार लोग होते हैं, वह यह क्राइम इजी मनी के लिए करते हैं। जब उन्हें ये मालूम होगा कि सर्टेनिटी के साथ उन्हें जेल में सड़ना होगा तो वो यह अपराध नहीं करेंगे, वह यह अपराध नहीं करेंगे। लिहाजा साइबर क्राइम करना भारत में एक ऑप्शन नहीं होगा। आप ये कह सकते हैं कि बहुत सारा साइबर क्राइम की जड़ें विदेशों में है, कई बार दैट इज सपोर्टेड बाय द कंट्रीज। तो चूंकि हमारे डाटाबेस में हमको उसकी लोकेशनल डिटेल मालूम है, लिहाजा उन देशों के लोग यदि हमारे सिस्टम में हमसे इंटरेक्ट करना चाहते हैं, इट विल रिक्वायर सम एडिशनल फॉर्मेलिटी। हम इवन इंडेमनिटी बॉन्ड काइंड ऑफ द थिंग्स कैन आल्सो बी अरेंज्ड। तो उनके कृत्य से यदि कोई वो होती है तो वहां की सरकार को उसकी भरपाई करना होगी, तभी वहां के लोग हमसे इंटरेक्ट कर पाएंगे। क्योंकि भारत एक बड़ा मार्केट है, हर कोई भारत को जो है ना में आना चाहेगा, भारत के लोगों से इंटरेक्ट करना चाहेगा, भारत में व्यवसाय करना चाहेगा, तो वो भारत में अपना सर्वर भी लगाएगा और भारत के द्वारा जो व्यवस्थाएं हैं उन्हें भी वो मानेगा। लिहाजा मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि ये जो दूसरी जो है सर्टेनिटी है दैट इज साइबर क्राइम।